ये नहर में नहाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर हम अपनी तलीम के ज़माने में गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ाना आया करते थे। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहां पे हम 99 में जो था ना, वो अपनी छुट्टियाँ गुजारा करते थे दिन के वक्त में। तकरीब रोज़ाना इधर ना मौज मस्ती करने आते थे, अपना मतलब पास करते थे। तो जी नाज़रीन, ये हम देख रहे हैं इस वक्त नहर के ऊपर हैं। चेक करते हैं इधर क्या व्यू चल रहे हैं। ये देखें, ये ठंडा ठंडा पानी है। ये हम नहर के ऊपर आ चुके हैं, शाम का समय। इधर भी ये खाड़ा है जिधर पहलवान रोजाना जो है ना, वो तो कुश्ती वगैरह करते हैं सुबह के टाइम। तो मेरे पीछे जो मनाजर है, इधर से देखें नहर की गहराई जो है ना, वो कितनी ज्यादा हो गई है ना। ये मेरे पीछे जो आपको पुल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर हम गर्मियों की छुट्टियों में नहाने आते थे। आपको पुल के साथ एक नाला भी है जिसे हम बल्लभ राजपा सुआ भी कहते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है नहर में पानी ज़्यादा होता था तो हम उसी में ज़्यादा नहाते थे, तो नहर के किनारे पर नहाते थे। तो हम जो वो बल्लभ है ना, वो नाला जो है वो आपको करीब से भी जाकर दिखाते हैं। इधर से देखिए उसका व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है, वो नहर के ऊपर से गुजरता है, इसमें पानी फुल भरा होता था। नहीं, ये जो मेरे पीछे आपको पुल नज़र आ रहा है इसके साथ नाला है, ये वो जगह है जहाँ पर हम रोज़ाना आकर नहाते थे गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर के वक़्त, और मौज मस्ती किया करते थे। ये नाला बना हुआ जिसे हम बल्लभ भी कहते हैं, राजपा भी कहते हैं और सुआ भी कहते हैं, इसमें गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ाना आकर नहाते थे। ये इसकी गहराई कम होती थी, इसी वजह से हम ज़्यादातर इसी में नहाते थे। यहाँ फिर ये होता था कि नहर का जो किनारा है ना, ये जो आपको नहर नज़र आ रही है इसका वो किनारा एक साइड पे हम वो भी आपको दिखाते हैं, जिधर गहराई कम होती थी तो उधर भी हम नहाया करते थे। ये जो है अब हम उसके करीब जा रहे हैं नाले की तरफ। जी दोस्तों, तो ये वो नाला, ये देखें, ये अब इसके अंदर जो है ना, ये गंदा पानी है गली मोहल्लों का, ये बंद है क्योंकि जब वो फसलें लगेगी चावल वगैरह की तो उस वक्त ना इसमें पानी आएगा। नहीं,
तो अब इसमें गंदा पानी आता है, पहले इसमें साफ पानी होता था, आज से तकरीबन 20 साल पहले। तो ये जब नाला है ना, ये पुल के ऊपर से गुजरता है, इधर देखें आप, बिल्कुल ये नहर के ना ऊपर से गुजरता है, नीचे नहर है, ये देखें आगे, ये नीचे नहर है, नहर के पानी देखें। ये पीछे इसके जो है ना बूटी वगैरह जो है ना वो उग चुकी है इसमें। ये नहर में नहाने आए हैं, चेक करें इनकी हाल। चलो दादा ली जुट भाई यार यार जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर हम ना नहर में नहाते थे। वो बर्लव वाली जगह तो हमने आपको दिखा दी थी पहले, तो ये देखें ये पुख्ता जगह, सोलिंग लगा हुआ, इधर साफ सुथरा माहौल था। ये किनारा है इसका, तो जैसे इसके पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे ना, इसकी गहराई जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी पानी की, नहर आगे से ज़्यादा गहरी होती जाएगी।